हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा छठवीं के कविता अध्ययन करेंगे। शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पें। कवि है शमशेर बहादुर सिंह। इस कविता में कवि ने एक 10-11 साल की लड़की के मनस्थिति का वर्णन किया है। इस कविता को हम एनिमेशन के जरिए अध्ययन करेंगे। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के इन पंक्तियों में छोटी बच्ची चांद से कहती है कि यूं तो आप गोल है पर फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं तथा इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से अपने आभा फैलाए हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर छोटी बच्ची जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण चांद से कई सवाल पूछना चाहती है और उनके बारे में अधिक जानना चाहती है। वह चांद से पूछती है कि क्यों वो तिरछे नजर आते हैं। वह सारे आकाश को चांद का वस्त्र समझती है जिस पर कई सितारे जड़े हुए हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे खूब है गोकी। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। कविता के इन पंक्तियों में छोटी लड़की चांद से कहती है कि ये जो आप थोड़े से तिरछे नजर आते हो ना, अच्छे तो लगते हो पर हमको आप बेवकूफ ना समझना। हम सब जानते हैं कि आपका ये तिरछापन आपकी किसी बीमारी की वजह से है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के इन अंतिम पंक्तियों में छोटी बच्ची चांद से कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। अतः छोटी बालिका चांद के घटने और बढ़ते रूप को एक बीमारी समझ रही है और वो कहती है कि चांद को घटने और बढ़ने की बीमारी है। हमने पढ़ा इन अंतिम पंक्तियों में छोटी बच्ची चांद पर कटाक्ष करते हुए कहती है कि मुझे आपकी सारी असलियत मालूम है। आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मुझे पता है कि आपको घटने और बढ़ने की बीमारी है। आप जब घटना शुरू होते हैं तो लगातार घटते ही जाते हैं और जब बढ़ना शुरू करते हैं तो लगातार बढ़ते ही जाते हो। जब तक आप पूरे गोल नहीं होते तब तक नहीं रुकते। आपकी घटने और बढ़ने की यह बीमारी बहुत विचित्र है। यह बीमारी किसी भी प्रकार ठीक नहीं हो पाती। इस प्रकार हमने पढ़ा एक 10-11 साल की लड़की चांद से बातचीत करती है। छोटी बच्ची कहती है कि मुझे आप गोल और कुछ तिरछे से दिखाई देते हो। आपका मुंह खुला हुआ लगता है। आप बहुत गोरे नजर आते हो। देखने में खूब गोल मटल से लगते हो। आपकी पोशाक चारों ओर फैली हुई है। आपने तारों से जड़े पूरे आसमान को ही वस्त्र की तरह पहन रखा है। और अंत में छोटी बच्ची यह भी कहती है कि आपको घटने और बढ़ने की बीमारी है। कविता में छोटी बच्ची और चांद के बीच बातचीत को अत्यंत मनोहर तरीके से वर्णन किया गया है। कठिन शब्दों के अर्थ।
स्मिथ यानी दिशाएं, निरा यानी पूरा, दम यानी सांस, मरज यानी बीमारी, बिल्कुल गोल अर्थ पूरी तरह गोलाकार, सुलभ यानी आसानी से प्राप्त किया जाने वाला। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।